bismillah ar-rahman rahim assalamu Alaikum students today we are going to study the poem the delight song of soe tali by n scott Momade Momaday is native american poet and novelist and it belongs to kiowa tribe kiowa tribe वो लोग हैं वो कबीला जो जिनका ताल्लुक़ अमेरिका के नेटिव लोग लोगों से है यानी बाकी जो अमेरिकन जो अब वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं ये लोग एंग्लो सैक्सनस हैं जो इंग्लैंड और यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों से ये रेने टाइम यानी फ़िफ्टीन सेंचुरी के बाद जो है वो मुख्तलिफ़ अदवार में अमेरिका जाते गए और वहाँ के लोगों के साथ जंग करके उन्हें मार के उन पर जुल्म करके उन्होंने मौजूदा जो अमेरिका हमें नज़र आता है वो बनाया जो नेटिव लोग थे वो पहले पहले तो उनसे लड़े और फिर ये है कि वो दूर दराज इलाकों की तरफ हिजरत करके भाग गए दूसरे लफ्ज़ों में क्योवा ट्राइब भी उन्हीं में से है और मोमेडे पोएट जिसकी आज हम ये डिलाइट सॉन्ग जिसका हम जा रहे हैं समझने जा रहे हैं इसका ताल्लक भी उसी क्योवा ट्राइब से है लेट स्टार्ट द पोएम आई एम अ फैदर ऑन द ब्राइट स्काय के मैं चमकते हुए साफ आसमान में उड़ता हुआ एक किसी परिंदे का पर हूं आम The blue horse that runs in the plain. मैं एक नीले रंग का घोड़ा हूँ जो मैदानों में दौड़ता है नीले रंग का घोड़ा तो आमतौर पर इस रंग का घोड़ा में नज़र नहीं आता कहीं ये क्या है कि एक इमेजिनेशन है एक ख़ुशी से जो आप वो अपने आप को महसूस करते हैं किसी बहुत ही खूबसूरत जगह पे और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों का आप तसवर करते हैं उनका ख्वाब उनके ख्वाब देखते हैं तो पोइट भी ऐसे ही कर रहा है आई एम द फिश दैट रोल्स शाइनिंग इन वाटर मैं वो मछली हूँ जो पानी में तैरती फिरती है रोल करती है यानी कि वो पहलू बदलते हुए आगे चलती है और चमकती हुई पानी के अंदर अपना सफ़र जारी रखती है आई एम दैडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड मैं वो साया हूँ जो बच्चे के पीछे पीछे भागता है यानी आपने देखा होगा कि छो, जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत फैसिनेट होते हैं साय से अपने साय से और वो भाग इस तरह रहे होते हैं कि जी अपने साय को पीछे छोड़ रहे हैं उन वो एक फतह का एहसास उन्हें होता है कि जी हम अपने साय से आगे आगे भाग रहे हैं या उससे तेज भाग रहे हैं आई एम द इवनिंग लाइट द लस्टर ऑफ मीडोज कि मैं शाम की रोशनी हूं जो शाम के टाइम बड़ा जब सूरज आ, मगरब में गरूब हो रहा होता है तो एक बड़ी खुशगवार सी उसकी रोशनी होती है और उसे पोइट क्या कहता है द लस्टर ऑफ मीडोज मीडोज खुले मैदान जो चरागाहें होती हैं घास की उनके ऊपर एक जो चमक होती है लस्टर कोई भी जो जो आप पॉलिश के लिए कुछ यूज करते हैं चीज आप अपना फर्नीचर या गाड़ी को चमकाने के लिए भी जो लस्टर यूज करते हैं एम एन ईगल प्लेइंग विद द विंड मैं हवा से खेलता हुआ उकाब हूँ आई एम अ क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स मैं चमकते हुए मोतियों का एक गुच्छा हूं बीड्स मोती कीमती पत्थर और क्लस्टर एक गुच्छा आई एम द फारदेस्ट स्टार मैं एक दूर आसमान पे चमकता हुआ सितारा हूँ आप आसमान पे रात को जो सबसे दूर जो सितारा देखते हैं मैं उस तरह का एक चमकता हुआ सितारा हूँ आई एम द रिंग ऑफ द रेन मैं जो मसलाधार बारिश की गरज हूं उसकी आवाज हूं आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो मैं बर्फ के ऊपर जो क्रस्ट होता है एक जैसे पाउडर सा बन जाता है उसकी चमक हूं आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन द लेक आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन अ लेक मैं झील के अंदर जो चाँद का एक ट्रैक बनता है मैं वो हूँ यानी जब चाँदनी उस पर किसी भी झील की सतह पे पड़ रही होती है उसके पानी पे पड़ रही होती है तो एक लगता ही है कि एक ट्रैक है एक रास्ता सा बन गया है चाँदनी का मैं वो चाँदनी का रास्ता हूँ एम अ फ्लेम ऑफ फोर कलर्स मैं चार रंगों पे मुश्तमिल शोला हूँ यानी मेरे अंदर चार रंग हैं मैं ऐसा शोला हूं आय डियर स्टैंडिंग अवे इन डस्क मैं दूर या परे एक हिरन हूं हिरन शाम के टाइम आप इमेजिन करें कि वो दूर आपसे खड़ा है और शाम का धुंधलका है पिक्चर में भी मैंने कोशिश की है कि आपको दिखाने की ये कैसा मंजर बनता है आई एम अ फील्ड ऑफ स्मैक एंड द पोमी ब्लैंच मैं सुमैक और पोमी ब्लैंच के खेतों की तरह हूं ये जो आपका स्मैक है ये एक तरह के जो फूल होते हैं जिनसे आप को मसाला हासिल करते हैं और दूसरा पोमी ब्लैंच, ये एक फल है मैंने कोशिश की है कि इनकी आपको फील्ड्स भी दिखाऊं इन इनके जो खेत हैं इनके मैदान हैं और पॉमी ब्लैंच उसका फ्रूट भी वो आपके सामने है आई एम एन एंगल ऑफ गीज इन द विंटर स्काई मैं आसमान पे उड़ता हुआ मुर्गाबियों या बतखों का एक झुंड हूँ जो गीज़ उड़ रहे हैं और वो उड़ते भी उड़ भी कौन से आसमान में रहे हैं विंटर स्काई यानी सर्दियों का आसमान जो या तो बिल्कुल नीला होता है या उस पर हल्के हल्के बादल होते हैं आपको उसे देख के भी एक ठंड का एहसास होता है तो मैं उस आसमान में उड़ता हुआ गीज़ का एक झुंड हूँ जो कतार बना के उड़ते हैं आई एम हंगर ऑफ अ यंग वुल्फ मैं एक नौजवान भेड़िए की भूख हूँ आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स मैं इन तमाम जो ऊपर खूबसूरत चीज़ें बयान की हैं इनका ख्वाब हूँ इनका ख़ूबसूरत ख्वाब हूँ यू सी आई एम ए लाइफ आई एम ए लाइफ तुम देखते हो कि मैं ज़िंदा हूँ जिंदा उपाइंदा हूँ आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ मेरा ताल्लक ज़मीन से अच्छा और मज़बूत है यानी नेटिव होते हुए वो अमेरिका की ज़मीन उस से अपना ताल्लुक़ वो बयान कर रहा है कि वो मजबूत है आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द गॉड्स पुराने देवताओं के साथ मेरा ताल्लुक़ मजबूत है नेटिव अमेरिकन जो थे वो देवी देवताओं के वो मानने वाले थे तो उनसे ताल्लुक मेरा जुड़ा हुआ है आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ ब्यूटीफुल जो भी खूबसूरत चीज़ मेरी सरज़मीन पर मौजूद है मेरा ताल्लुक उससे मज़बूत और अच्छा है आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द डॉटर ऑफ सेंटेन सेंटेन जो है वो वाइट हॉर्स के, के लिए टाइटल यूज़ किया जाता है वाइट हॉर्स ट्राइबल चीफ था कबीले का सरदार था क्योवा कबीला जिसका मैंने जिक्र किया और आ, हमारे इस पोइट का भी ताल्लक उसी क्योवा ट्राइब से है क्योवा ट्राइब का जो जंगजू सरदार था वाइट हॉर्स उससे या उसकी बेटी से या उसकी बेटी जो ये सरजमीन है ये जगह है उससे मेरा ताल्लक मज़बूत तर है यू सी आई एम अलाइव आई एम अलाइव तुम देखते हो कि मैं ज़िंदा हूँ यानी ये, ये सारी खूबसूरतियाँ मैं अंदर अपने अंदर समाया हु, समाए हुए हूँ जो उसने बयान किए हैं मेरा ताल्लुक़ इस ज़मीन से जुड़ा हुआ है इस ज़मीन की हर खूबसूरती से जुड़ा हुआ है और मैं ज़िंदा व पाइंदा हूँ थैंक यू वेरी मच